दोस्तों, कुछ समय पहले एक पेशेंट आया और उसने बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे पेट में एक गांठ जैसा समझ में आ रहा है। मुझको लग रहा है कि एक गांठ बन चुका है। जब मैंने उसका एग्जामिनेशन वगैरह किया तो मुझको समझ में आया कि वहां पे एक हल्का सा सूजन जैसा समझ में आ रहा था, जैसे कुछ चीज उभार समझ में आ रहा था कि कुछ अंदर से बाहर की तरफ आना चाह रहा है। जैसे एक आम की गुठली होती है, ये या कह सकते एक मांस एक जगह पूरा इकट्ठा समझ में आ रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर आपके पेट के अंदर गांठ हो चुका है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उसमें कौन सा बीमारियां हो सकती है, उसका क्या जांच किया जा सकता है और उसमें कौन सी इलाज हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें देखिए क्या होता है कि जो पेशेंट होता, मरीज होता, अगर उसके पेट वगैरह में गांठ हो चुका है तो उसको उल्टी जैसा लगना। गांठ है तो गांठ के अंदर दर्द हो रहा है या बिना दर्द के गांठ है, या गांठ के अंदर सूजन हो चुका है या बिना सूजन के ही गांठ हो चुका है। क्या गांठ जो हुआ है वो आपका खांसते हुए आ रहा है या जब आप खांस नहीं रहे हैं तो भी वो गांठ बना रह रहा है। तो दोस्तों, अब हम लोग इसमें जानते हैं कि इसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो होता है, आपके पेट के अंदर हर्निया हो सकता है। हर्निया की वजह से भी आपके पेट में गांठ समझ में आ सकता है। आपका जो पेट है उसके अंदर ट्यूमर वगैरह भी हो सकते हैं, ट्यूमर्स की वजह से भी गांठ बनते हैं पेट में। दोस्तों, इसके अंदर है जो लिपोमा भी हो सकता है, लिपोमा की वजह से भी गांठ समझ में आता है। हेमाटोमा भी हो सकता है, हेमाटोमा जो होता है ब्लड का कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है, कभी कभी सिस्ट वगैरह का भी फॉर्मेशन देखने को मिला है तो उसके वजह से भी ये गांठ समझ में आता है। दोस्तों, अब इसमें हम लोग जाने जा रहे हैं कि अगर पेट में गांठ समझ में आ रहा है तो आपके डॉक्टर से कौन कौन सा आपके लिए जांच जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है एक आपका सीटी स्कैन या अल्ट्रासोनोग्राफी पेट का कराया जाता है। सबसे पहले एक अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। उसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर खून का जांच हम लोग सीबीसी वगैरह भी करवा लेते हैं। और दोस्तों, इसके अंदर हम लोग एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी भी करा के चेक करते हैं। तो ये तीन चार जो जांच है प्रमुखता से कोई भी एक डॉक्टर लिखता है। उसके बाद ही जो जांच के अंदर रिपोर्ट समझ में आता है, इंप्रेशन आता है, उसके अनुसार ही आगे का पूरा ट्रीटमेंट है, गाइड ऑफ ट्रीटमेंट लाइन होता है। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूं इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, जो गांठ होता है उसका इलाज केवल है सर्जरी होता है। यानी आपका जो डॉक्टर्स होते, जो सर्जन होते, वो आपके पेट को है खोलेंगे, पहले आपको शून्य कर देंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर जहां पे भी गांठ है उसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद उसको सिल देंगे, सिलने के बाद फिर धीरे से आपका डिस्चार्ज कर देंगे। फिर आप प्राइवेट वार्ड में कुछ समय के लिए एडमिट होंगे, फिर आप आराम से घर आ जाएंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी घबराने वाली बात नहीं होती है दोस्तों, कि अगर पेट में गांठ है तो इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो भी अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप नीचे मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं उसका समाधान करने का भरसक प्रयास करूंगा। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो को मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड जरूर कर दें। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे केवल हेल्थ से रिलेटेड में जानकारी आपको देता रहूंगा। मैं नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होता हूं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।